Assalamu alaikum. So this is Third the second vlog of the series Life in the UK as an International Student. So it's a very important vlog. इसमें मैं आपको CV formatting और CV के को कैसे आपने tailor करना है according to UK standard वो मैं share करूँगी. So थोड़ी सी आपको अपनी life update दे देती हूँ. So I had my interview today. मैंने कल उसकी बड़ी तैयारी की थी रात में बैठकर और I gone through all the job description और उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च हर चीज़ करके एंड मैंने प्रिपेयर किया था एंड आई हैड एन इंटरव्यू टुडे. इट वाज गुड. अच्छा हुआ. उसका आउटकम मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें ज़रूर शेयर करूँगी कि क्योंकि दे विल बी गिविंग मी एन अपडेट टिल ऑन द एंड ऑफ दिस वीक. सो लेट्स सी. आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, आई होप कि अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि आई डिड अ लॉट ऑफ मेहनत. बट ये है कि इट ऑल डिपेंड्स. इंटरव्यूज तो आपको देने पड़ते हैं तब जाके आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलती है. सो आई ट्राइड. लेट्स सी क्या होता है. सो आज मेरा दिन में इंटरव्यू था, देन आई हैड माई वर्क एंड अभी मैं घर आई हूँ. तो डिनर करने के बाद आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी और मेरे हमारे टिकटॉक पर भी और इस यूट्यूब चैनल पर भी कि आप इस सीवी फॉर्मेटिंग के रिलेटेड वीडियो बनाएं. सो आई थॉट व्हाई नॉट, मुझे आज ही बनानी चाहिए. सो अभी क्योंकि आई एम सो सॉरी अबाउट द लाइटिंग्स, मैंने थोड़ी सी लाइट्स डाउन की हुई हैं क्योंकि एवरीबडी इज स्लीपिंग एट होम एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू बी डिस्टर्ब. सो दैट्स द रीज़न. सो या सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपकी सी वी किस तरह की होनी चाहिए. सो बेसिकली जिस तरह की मेरी सी वी थी, यूजली पाकिस्तान में या इंडिया में साउथ एशिया में हम लोगों की सी वीज़ के साथ हम लोग पिक्चर लगाते हैं और हम बड़ी डिटेल सी वीज़ बनाते हैं, लंबी लंबी, टू पेज, थ्री पेजेस, मोर देन थ्री पेजेस. हमें लगता है कि शायद, जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, लगता है कि शायद जितना हम ज़्यादा लिखते हैं उतना दूसरे बंदे जो एम्प्लॉयर है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है. और हालांकि ये नहीं होता. जितनी आपकी सीवी जो है ब्रीफ होती है और जितना उसमें कम डिटेल्स होती हैं बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हाइलाइटेड होती हैं उतना ही एम्प्लॉयर के लिए इजी होता है टू गो थ्रू दैट सीवी एंड टू डिसाइड आइदर यू शुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और नॉट. सो सबसे पहले ये कि अपनी जो आपकी जो सीवी है उसमें आपने पिक्चर को निकालना है और पिक्चर नहीं होती यूके की जो फॉर्मेट है उसमें. दूसरा ये कि आपका नाम बहुत बिग साइज़ में नहीं होता, इट्स जस्ट नॉर्मल उसमें साइज़ में अपना नाम लिखते हैं. कोई ख़ास टेम्पलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड यू आर इन. अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं तो ऑब्वियसली आपकी टेम्पलेट जो होती है वो थोड़ी सी कलरफुल और उस तरह की होती है. बट ये कि नॉर्मली वैसे जो हमारी सी वी की जो होती हैं टेम्पलेट्स उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती आपको किसी भी किस्म की कलर्स और ये चीज़ें यूज़ करें. तो ब्लैक एंड वाइट प्लेन सी वी टेम्पलेट होती है. टू पेजेस आर मोर देन इनफ. ऑल्सो आपने जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स इनको ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि यूके में स्किल्स, जैसा कि आप हर जगह सुन चुके हैं, वाकई ये बात है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर आपसे ये पूछता है कि विच स्किल्स, रेलिवेंट स्किल यू विल बी ब्रिंगिंग टू दिस रोल, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो स्किल्स होते हैं. सो आप थोड़ा सा रिसर्च भी इंटरनेट पे करें कि आपकी जो डिग्री के रिलेटेड कौन से स्किल्स जो हैं वो मार्केट में इन हैं. सो लिखते हैं उनको थोड़ा सा. अगर आप ये है कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट इन गुड इन दैट स्किल तो आप आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ की वीडियो मिल जाती है. आप थोड़ा सा अपने स्किल को इम्प्रूव करें. जैसे मेरा आज इंटरव्यू था तो मुझे कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी देन आईटी रिलेटेड, एमएस वर्ड रिलेटेड एंड एक्सेल रिलेटेड. देन आई रिसर्च एंड आई वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब और मैंने वो लर्न कर लिया. सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. आप अपनी जो जॉब रिक्वायरमेंट है जिसके लिए अप्लाई करें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर कोई स्किल की, आईटी की स्किल की, एनीथिंग, यू कैन लर्न इट. देयर इज़ नथिंग जो आप लर्न ना कर सकें, यू कैन डू इट. सो यूट्यूब पे हर चीज़ की वीडियो मिल जाती है. सो स्किल ज़रूर मैंशन करें और आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो ज़रूर होनी चाहिए.
सो ये चीज़ें होती हैं. वैसे बेसिकली मैं इसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगी. मैं आपके साथ जो हमारे ऑफिशियल यहाँ पर जो CV फॉर्मेट्स हैं यूके के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आई गॉट देम फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी. वी हैव अ करियर्स डिपार्टमेंट ओवर देयर, सो आई वेंट देयर और उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया था हाउ टू मेक योर CV बेटर लुकिंग. सो मैं वही फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर करूँगी. आपने अपनी CVs को उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है अगर आप यूके में हैं इस वक्त और आप जॉब हंट कर रहे हैं. दूसरा ये कि CV फॉर्मेट के अलावा आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच आई लर्न्ड नाउ, इज़ द थिंग कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टेलर योर CV. इसलिए क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी जो जॉब, जो आपका डिग्री है, इज़ नॉट रेलिवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. सो क्योंकि एम्प्लॉय अगर वो रेलिवेंट नहीं है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पोस्ट की, अगर उसके साथ वो कनेक्ट नहीं करती, तो नो वन विल कॉल यू टू फॉर एन इंटरव्यू टू नो मोर. सो वट यू हैव टू डू इज़, इट्स अ की थिंग, जब भी आप किसी, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द पोस्ट दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू, हाईली पेड है, सब है, एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इट, नेवर अप्लाई थ्रू ऐसे ही अपनी CV, जो पुरानी CV है उसके थ्रू कभी भी अप्लाई ना करें. यू ऑलवेज हैव टू टेलर इट अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो वट आर यू नाउ स्टार्टेड डूइंग, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी जो CV है उसको, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्लाइंग फॉर अ कस्टमर सर्विस जॉब, तो अब मेरी अगर CV क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि जो मेरा प्रीवियस वर्क है ना, उसको मैं कस्टमर सर्विस की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ रिलेट कर सकूँ. तो सबसे बेस्ट थिंग आजकल के दौर में इज़ ChatGPT एंड इट्स हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. सो आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट करें और वहाँ पे क्वेश्चन उसको डालें कि पहले आप सारी जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दें उस जॉब की, फिर आप अपनी CV पेस्ट कर दें कॉपी पेस्ट करके, और फिर आप वहाँ लिखें कि प्लीज़ मेक माई CV अकॉर्डिंग टू द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन. ChatGPT इज़ वेरी हेल्पफुल. वो आपको CV बना के दे देता है अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो वो क्या करता है कि वो आपको वही वर्क एक्सपीरियंस जहाँ पर उसको लगता है कि अच्छा ये कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो वो आपकी CV जो है वैसी उसको वो सजेस्ट आपको कर देता है पॉइंट सारे. सो इससे ये होता है कि आपका, जैसे आजकल के दौर में अब यहाँ UK में ही आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनके थ्रू ये होता है कि अब मैन्युअली लोग नहीं आपकी CVs देखते. व्हाट दे डू, उनका कीवर्ड्स होते हैं, जैसे वो कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए उन्होंने किया है तो वो कस्टमर सर्विस का ही कीवर्ड रखेंगे, तो जिस जिसकी CV में वो वर्ड आ रहा होगा वो वही उनके सामने आता है और वहाँ से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं. आपका जो प्रोफाइल होता है, दैट प्रोफेशनल प्रोफाइल जो सबसे पहली हेडिंग होती है, वो मैं आपके साथ फॉर्मेट जब शेयर करूँगी आप उसमें भी देखेंगे, तो उसको भी हर जॉब के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए. सो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू जस्ट अप्लाई ऑल दोज जॉब्स जो आपको नज़र आती हैं इंडीड पर या लिंक्डइन पर या कहीं पर भी गूगल पर. इट्स बेटर कि आप सही टाइम लगा के आप उन जॉब्स में अप्लाई करें, एक जो आपके थोड़ा सा फील्ड के रेलिवेंट हो. अगर नहीं भी हो तो आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी CV को उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करके आप अप्लाई करें. सो उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं रादर जस्ट अप्लाइंग ईजी ऑन, जैसे लिंक्डइन होता है उसमें ईजी अप्लाई वाला, वो इट्स अ फेल, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है. आई डिड ऑल दीज थिंग्स. अब मेरा ये है कि मैं अब ये नोटिस करती हूँ कि काफ़ी सारे इवन मुझे एम्प्लॉयर जो है, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू माई माई एप्लीकेशन, और वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं. पहले ऐसा नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद आई एम नॉट अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दोज पोजिशंस, बट ऐसा नहीं है. आपकी CV अगर इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती तो आपको कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं करता. अलग बात है वो जब आप मिलते हैं तो वो आपको इंप्रेशन निकोड़ जाता है, बट CV ही इम्प्रेसिव ना हो तो नो वन विल कॉल यू इवन. सो अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करती हूँ रिगार्डिंग CVs, फीडबैक्स एंड रिव्यूज़. अगर आप चाहते हैं कि आपने जैसे अपनी CV बना ली और ऑब्वियसली आपको है कि अच्छा मुझे कोई बताए कि इज़ इट परफेक्ट फॉर द जॉब मार्केट और नॉट. सो आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री CV रिव्यूज़ देते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं. उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है अच्छा व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग. सो उन प्लेटफॉर्म्स में से कुछ प्लेटफॉर्म्स जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसमें से टॉप CV है, CV लाइब्रेरी है, रिज्यूम्स प्लानट है,
ये थ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर वेरी गुड. ऑल्सो अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हियर इन अ यूनिवर्सिटी और मे बी इन अ कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का करियर डिपार्टमेंट होता है. सो वट दे डू, दे गिव फीडबैक्स टू यू सी वीज एज वेल, दे गिव यू सम टिप्स फॉर इंटरव्यू. सो और ये है कि आप वहाँ पे विज़िट करें और उनसे अपनी फीडबैक लें सीवीज पर, और आप उनसे थोड़ी सी गाइडेंस भी लें रिगार्डिंग दीज जॉब मार्केट एंड एवरीथिंग. सो क्योंकि ये हम वी पेड फॉर दीज ऑल सर्विसेज, सो वी शुड यूज़ दीज सर्विसेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, बिकॉज बाद में ये है कि कोई फ़ायदा नहीं इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड एंड उसके बाद आपको वही सर्विसेज जो हैं वो आपको पैसे में सेल हो रही होंगी. इसी तरह जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया था, अल्सर यूनिवर्सिटी ने, दे गिव एन अ पोर्टल काइंड ऑफ अ वेबसाइट जो सीवी रिव्यू करती है, बट फॉर अल्सर स्टूडेंट्स इट वाज फ्री, वैसे वो चार्ज करती है, तो सारे फीचर्स हमारे लिए फ्री थे. सो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको आप फिगर आउट करें, अपने करियर सेक्शन में जाएँ, उनसे पूछें, और अपनी सीवी जो मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूँगी उस पर बनाकर अकॉर्डिंग टू दैट आप फिर उस उन वेबसाइट्स पे जाकर अपना फीडबैक लें, और होपफुली इंशाल्लाह यू विल मेक योर सीवी बेटर. और जब आप अप्लाई करेंगे और जो मेन टिप आपको टेलर करने वाली सीवी टेलर करने की जो आपको मैंने टिप दी है, अगर आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल for you, and I tried my best to complete to give all the information jo zaruri thi and what I do always to make my CV perfect. Obviously there is a room for improvement. मैं फिर उसको साथ साथ उसको more improve करती रहती हूँ जैसे ही मुझे कोई information मिलती है कहीं से या कुछ भी. So I will do share that thing जो अगर मैं कुछ भी new add करती हूँ तो I will share it with you guys as well. क्योंकि job in UK is a big problem these days, and I know students like us, they suffered a lot and they are suffering a lot. So I want to help you all in that thing. So अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी थिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी है, यू कैन आस्क मी एंड टेल मी दैट एज वेल, ताकि मैं आपको वो आंसर कर सकूँ, मे बी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इट्स टाइम फॉर साइनिंग ऑफ. सो अब बहुत रात हो गई है, तो आई विल बी जस्ट गोइंग इन द बेड. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर लुकिंग फॉर सम गाइडेंस अबाउट CVs. And kyunki my upcoming videos will be more informative, so uske liye be do subscribe us, press the notification button so that you are aware of any upcoming video. And till that time, take care of yourself, and Allah Hafiz and good night.